छत्तीसगढ़ में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से भाजपा का रवैया आक्रामक हो गया है। जब भाजपा ने विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाई है, साथ ही 15 मार्च को भाजपा विधानसभा घेराव के माध्यम से सरकार के खिलाफ हल्ला करेगी, जिसमें 35 जिले के कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता हितग्राहियों के पैर भी पकड़ेंगे। विधायक अजय चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश सरकार भाजपा को रोकने की तैयारी कर रही है, लेकिन आपातकाल की तर्ज पर हम इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाएंगे। पीएम आवास को लेकर एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में हमें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, विधानसभा का घेराव कल भाजपा करने जा रही है, इसके लिए तमाम तैयारियां भी कर ली गई है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे उनसे समझेंगे भी किस प्रकार की तैयारियां रहेगी अजय जी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग तो तैयारी स्थल में ही खड़े हैं। तैयारी तो प्रशासन को ही करनी है, हम लोग तो सड़कों पर निकलेंगे। तो सड़क आप कल देखिएगा रायपुर में किधर किधर जाम रहेगी। सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, सारे हितग्राही एक ही मांग है, हमारी अधिकार हमको आप दीजिए। पीएम आवास को लेकर के इससे पहले भी आप लोगों ने मांगे रखी है, सदन में भी मुद्दा उठा है, एक बार फिर सड़क पे लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो गरीब विरोधी, गरीबों से घृणा करने वाली सरकार है। गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं है, गरीबी उन्मूलन के लिए कोई योजनाएं नहीं है इनके पास। रेवड़ी बांटते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मितान क्लब को देने के लिए पैसा है, गोठान समिति के अध्यक्ष और सदस्य को देने के लिए पैसा है, सोसाइटी अध्यक्ष को, मंडी अध्यक्ष को, इन लोगों के लिए पैसा है उनके पास। बाकी गरीब के आवास के लिए, गरीबों को सशक्त करने के लिए उनके पास न योजना है न पैसा। अच्छा, भाजपा एक आंकड़े ये रख रही है कि 16 लाख आवास अभी नहीं बने हैं, सरकार का ये कहना है कि 10 बनाने थे, हमने 8 बना लिए। मैं आपके माध्यम से फिर कहता हूँ कि 16 लाख है, 8 लाख भाजपा के शासन में बने हैं, उनमें नैतिकता है। कौन साल में कब से लागू हुई योजना और कौन साल में छत्तीसगढ़ में कितना कितना है, सदन के पटल में रखे, प्रेस के सामने रखे, और नहीं तो आमने सामने बहस कर ले। एक अंतिम सवाल भी रहेगा जय जी, क्योंकि आपने तैयारियों का भी जिक्र किया, इस वक्त राजधानी और ये विधानसभा क्षेत्र की ही तैयारियां दिख रही है, पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, तो अभी से ही रोकने की प्लानिंग हो गई है क्या? वो तो डरी सहमी सरकार है ना, कुछ भी कर सकती है। आज आपने देखा ना, राजनीतिक आंदोलन में एक कार्यकर्ता को जिला बदर करने की कलेक्टर अनुशंसा कर रहा है। तो आपातकाल लगाने वाली पार्टी किसी भी सीमा तक जा सकती है, आप सामना करेंगे, आपातकाल का सामना किया तो ये कौन सी बात है। तो आपातकाल का सामना हमने किया है तो यह भी सामना हम कर लेंगे। बहरहाल पूरे संगठन के जो 35 जिले हैं, इसके कार्यकर्ता कल यानी कि 17 मार्च को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ नहीं दिए जाने की ओर राज्य सरकार का न केवल भाजपा ध्यान आकृष्ट कराएगी बल्कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन विधानसभा घेराव के स्वरूप में हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल ये प्रदर्शन कितना आक्रामक होता है और इस प्रदर्शन से क्या जनता को लाभ मिलता है, पीएम आवास बन पाता है, इसका हमें इंतजार करना होगा। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज रायपुर। पीएम आवास को लेकर